चतुर किसान। एक गांव में एक धनी किसान रहता था। उसके पास बहुत सी जमीन थी। उसके यहाँ बहुत से आदमी काम करते थे। उस किसान के दो लड़के थे। जब दोनों लड़के बड़े हो गए तो किसान ने उन्हें आधी आधी जमीन बांट दी। साथ ही उसने काम करने वाले आदमी भी बराबर बराबर संख्या में बांट दिए। बड़ा लड़का सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने तक नहीं जाता था। वह अपने आदमियों से कहा करता था, जाओ खेतों में जाकर काम करो। उसके आदमी मन माना काम करते थे, काम कम करते थे, बातें अधिक। वे चेलम पीते हुए इधर उधर की गप्पे उड़ाया करते थे। ना समय पर हल चलाते थे, ना बीज बोते थे, ना ठीक वक्त पर खाद डालते थे, ना सिंचाई करते थे। धीरे धीरे उपज घटने लगी और बहुत कम हो गई। किसान का बड़ा लड़का गरीब हो गया। उधर छोटा लड़का बहुत परिश्रमी था। वह सवेरा होते ही कंधे पर हल रखकर अपने आदमियों को पुकारता था, आओ खेतों पर चलकर काम करें। वह आदमियों को साथ लेकर खेतों पर जाता, डटकर काम करता था। उसे देखकर उसके आदमी भी खूब परिश्रम करते थे। उसके खेतों में समय पर हल चलाया जाता था, समय पर बीज बोए जाते और सिंचाई की जाती। उसकी उपज दिनों दिन बढ़ती गई। वह अपने आदमियों को अधिक काम करके दिखाने पर पुरस्कार भी देता था। कुछ ही वर्षों में वह धनी भी हो गया। चतुर पिता दोनों बेटों में फर्क समझता था। एक दिन उसने दोनों बेटों को बुलाया, बड़े लड़के से पूछा, क्या हाल है? उसने कहा, मैं तो गरीब हो गया हूँ, मेरा भाग्य ही खराब है। फिर उसने छोटे लड़के से हालचाल पूछा। छोटा लड़का मुस्कुरा कर बोला, आपकी कृपा से दिन दूनी और रात चौगनी उन्नति हो रही है, आनंद आ रहा है। बूढ़े किसान ने कहा, देखो तुम दोनों को मैंने बराबर बराबर भाग दिया, वह भाग ही तुम्हारा भाग्य था। तुम्हारे भाग्य में कोई अंतर नहीं, अंतर केवल है जाओ और आओ में। बड़े लड़के ने हैरान होकर पूछा, बापू जाओ और आओ क्या है? पिता ने कहा, तुम सदा अपने आदमियों से कहते हो जाओ काम करो, तुम्हारा छोटा भाई अपने आदमियों से कहता है आओ काम करें। पिता की बात सुनकर बड़े लड़के की आंखें खुल गई। उस दिन से वह भी ठीक ढंग से काम करने लगा। उसके खेतों की उपज भी बढ़ने लगी।